हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक, वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2/3 + 4/3। ये याद रखना, ऊपर वाले को हमेशा न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हमेशा न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हमेशा डिनोमिनेटर कहते हैं। बस मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ लिखी थी, आपको ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम लोग नीचे भी 3 ही लिखेंगे। फिर इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। 3/3 कितना होगा? 1। फिर जो आंसर आएगा उससे हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 डिवाइड करके 1 आया, 1 × 2 कितना हुआ? 2 हुआ। फिर ये प्लस का प्लस सी रहेगा यहाँ पर। फिर इसको इनको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 आएगा। फिर 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 1 × 4 = 4। तो हमारा आंसर आएगा क्या, ये डिनोमिनेटर 3 रहेगा, 2 + 4 कितना हुआ? 6। तो ये 6 ये हमारा आंसर है। तो हम ये जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है मैं वो करके दिखाई। अब हम लोग वैसा करेंगे जिसका डिनोमिनेटर अलग होता है। जिसका डिनोमिनेटर अलग होता है हम लोग यहाँ करेंगे। तो इनका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों को एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को एलसीएम करेंगे तो कितना है? अगर इन दोनों को एलसीएम करेंगे, देखो ये 4 और 2 है, तो 2 से कीजिए, इसे 2 आएगा, ये 1 से गया, फिर यहाँ ये 2 × 2 = कितना हुआ? 4। तो हमारा एलसीएम आएगा 4। फिर 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, 1 आएगा। फिर 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा हमारा 3। फिर प्लस की प्लस रहेगा, फिर इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, 1 कितना आएगा? 2 के टेबल में 2 × 4 आता है। फिर जो आंसर आएगा उससे हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 6 आएगा 12। 12 + 3 कितना होगा? 15। ये रहा हमारा आंसर। तो अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। तो अब हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें क्वेश्चन कैसे है, मिक्स है ना, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। 3 × 2 = इस वाले नंबर जो है इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा, फिर ऊपर वाले को प्लस करेंगे। 3 × 2 = कितना हुआ? 6। 6 + 2 = 7, 8 होता है। तो हम 8 लिखेंगे और फिर ये जो है ना 3, इसे हम लोग 3 ही लिखेंगे। फिर प्लस साइन देंगे। 3 × 4 = 12। 12 + 2 = 13, 14 कितना हुआ? 14। 14 + 3, तो हम लोग का ये डिनोमिनेटर कैसे सेम आया ना, अलग अलग तो नहीं आया ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 लिखेंगे क्योंकि इनको 3 लिखेंगे, फिर इनसे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर? 8। इन दोनों को डिवाइड करके 1 आएगा, फिर 1 × 8 = 8। तो हम लोग यहाँ 8 लिखे, फिर प्लस का सिग्नेचर देंगे और यह 3, फिर क्या होगा? 1। फिर 1 × 14 = 14। फिर हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 14 + 8 कितना होगा? हमारा आंसर आएगा 22 × 3। दिस इज़ द आंसर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन दूंगी। इस वीडियो में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन दिया, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन दूंगी। तो
नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।